कहते हैं जितने बड़े ख्वाब हों मुश्किलें भी उतनी बड़ी होती हैं। अगर आप मुश्किलों के साथ लड़ना सीख जाते हो तो कामयाबी भी उतनी बड़ी होती है। जी बिल्कुल, ऐसी ही बात और ऐसी छोटी सी मिसाल है हमारे साथ बड़ी प्यारी सी बिटिया सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल की विजया, जिन्होंने अपनी छोटी ही उम्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी महारतें हासिल की हैं। तो आज हम करते हैं उनसे बात। विजया बेटे, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। विजया, आपकी कितनी उम्र है? 10। 10 साल के हो? हाँ जी। विजया 10 साल की है और 2 सालों से डांस कंपटीशन में नंबर 1 रह चुकी है। बात करते हैं उसके साथ डांस के बारे में। विजया, 2 सालों से आप डांस सीख रहे हो, तो आप ये बताओ कि आपको शुरू से इस चीज का शौक था या किसी को देख के आप इंस्पायर हुए? मुझे अपने आप ये शौक डाला, जैसे टीवी में आते हैं ना वो डांस, वैसे। ओके, तो आपने किन से सीखा डांस? मैंने एनके डेयर टू डांस निशान संदल सर से। ओके, आपके गुरुजी? हाँ जी, निशान सर। ओके, कितने टाइम से उन्होंने आपको कभी डांटा नहीं है, बड़े प्यार तक से सिखाया है? कितने टाइम से? 2 साल से कंटिन्यू? हाँ जी। ओके, तो आपने पहला डांस कंपटीशन कब जीता था? मैंने पहला सिटी में। सिटी में जीता था? हाँ जी। कितने बच्चे थे वहाँ पे? 20 या 15। ओके, तो आप कौन सी पोजीशन में रहे? मैं फर्स्ट। फर्स्ट में रहे थे? हाँ जी। कहते हैं अगर जिंदगी में आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हौसला बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ आपका हौसला है, आपकी हिम्मत है, तो आप हर कदम पर आगे रहते हो। आपने DID में भी परफॉर्म किया है, वहाँ पे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हमने बहुत मजा किया और वहाँ पे हम घूमे भी थे। कहाँ कहाँ घूमे? हम वहाँ पे मॉल गए थे, हमने वहाँ पे आइसक्रीम भी खाई थी। हो, खाने के शौकीन लगते हो, अच्छी बात है। तो ये बताओ कि आपके घर में से आपको किसकी किस सपोर्ट रहती है? मम्मा पापा दोनों कहते हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं कि बेटा इस काम में आगे जाओ या स्टडी में आगे जाओ? दोनों में। स्टडी कितनी करते हो सुबह से लेके शाम तक? जैसे मैं ट्यूशन जाती हूँ अभी। कितने टाइम में? 4 से 6। देखो, ये आपका काम, आपका पैशन है, ये थोड़ा अलग है, लेकिन स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी कक्षा में हो? मैं 4th। 4th में पढ़ते हो? कौन से टीचर ज्यादा अच्छे लगते हैं? मुझे प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल मैम अच्छे लगते हैं? हाँ जी। तो आप सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल में गए, वहाँ पे कौन सी आपको चीज ऐसी अच्छी लगी कि आपने वही स्कूल को चूज करा? क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे प्यार से रहते हैं और टीचर्स भी हमें प्यार करते हैं और उनकी प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छी है। विजय, आपको डांस के साथ मॉडलिंग का भी शौक है? हाँ जी। तो इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज हैं? मुझे सिंगिंग भी अच्छी लगती है और एक्टिंग भी। आप ये बताओ, आप एक्टिंग में सीखने जा रहे हो कि अभी जस्ट वैसे शौक ही है? अभी वैसे शौक। कौन सा एक्टर अच्छा लगता है? अभी तो मुझे वो उनका पता नहीं है इतना। वैसे एक्टिंग का शौक रखते हो? हाँ जी। मामा आपको कौन सी चीज में मतलब सिखाते हैं कि बेटा ये चीज सीख लो, ये चीज कर लो, ऐसे डायलॉग बोलो या ऐसे डांस की प्रैक्टिस कर लो, कब कहते हैं वो? जब हमें डांस क्लास से छुट्टी होती है तब मामा कहते हैं आधा घंटा तू प्रैक्टिस कर ले डांस की। हाँ, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर कोई भी हम काम करते हैं उसका रियाज होना बड़ा कंपल्सरी है। रियाज करते हो अपना डांस का, मॉडलिंग का? मॉडलिंग में कब गए? 2021 में। पहला जो आपने मोमेंट्स जीता, मतलब आपको अचीवमेंट मिली, को कौन सा था पल? पहले मुझे सिटी में मिला था। सिटी में? ओके, तो आपने लुधियाना में भी कोई फंक्शन करा है? हाँ जी। उसमें कौन सी पोजीशन पर रहे? वहाँ पे फर्स्ट में रहे। हाँ जी। बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है जिसके साथ आज हम बात कर रहे हैं, जिसने बहुत सारे मोमेंट्स लिए हैं, प्राइज लिए हैं, क्योंकि जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपका हौसला, जज्बा होना बड़ा ही कंपल्सरी है। आप बने रहिए यूट्यूब और फेसबुक पे सेंट सोल्जर टाइम्स के साथ। मैनू अपनी बच्ची ते बहुत माण है कि इसने मेरे घर जन्म लिया, ये मेरे हर एक ख्वाब नू पूरा कर रही है, इसलिए मैं इनू चाहवांगी कि होर तरक्की करे। मैं अपनी गुड़िया तो बहुत ही मतलब कि खुश हाँ और हर घर च मैं कहना इस तरह की गुड़िया होनी चाहिए है।